लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, नीचे आरिफ सर राइट साइड ऊंचा करते हुए डबल कर, नहीं लेफ्ट साइड ऊपर से आरिफ सर ने ऊंचा किया, वो बाहर खींच रहा है और वो काटा, बस ऊंचे करके ऊंचा करके झटक लिया। छत के गेम दिखा रहा हूँ अभी, लगातार आपको ग्राउंड के गेम दिखा रहा था, हर तरह का इंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। काइट कल्चर को सब्सक्राइब करिए, काइट कल्चर को। तो बढ़िया पेज काटा, ऊंचा करके थपक लिया। जल्दी से एक और पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से नीचे आरिफ सर बड़े हुए हैं, हमारे आरिफ सर के पेज देखिए। इन दिनों में परदेश के गेम दिखा रहा था लेकिन इन्हीं दिनों बहुत ज़्यादा ऊंचा करके दिया है, बहुत बढ़िया पेज काटा। मैंने कहा कि इन दिनों में परदेश के गेम दिखा रहा था और इन्हीं दिनों लगातार हमारे गोल्डी भाई और आरिफ सर ने कई सारे 9-7 सब काट डाले। फिलहाल पेज देखेंगे आज हम लोग छतों के, ये देखो एना कोंडा खड़ा हुआ है यहाँ पे। देखे कहाँ से खरीदे, पोका है ये एना कोंडा है। हाय दोस्तों, ये पेज फेर रहे हमारे नीचे से देखिए लेके चले जा रहे हैं, ऊपर खिलाड़ी है कहाँ दिख ही नहीं रहा, वो रहा आरिफ सर की पतंग कहाँ चली गई, वो रही। ये नीचे से लड़ा रहे आरिफ सर और वो अब लेके आ रहे हैं ओपोनेंट। लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से है, तले ऊपर बिल्कुल गेम है लगभग। ये गद्दा रखा, बाहर निकाला आरिफ सर ने डोर पे रखने के लिए। तीन पेज लगातार आरिफ सर ने काटे। लेफ्ट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर, नीचे हमारे आरिफ सर बाहर निकाल रहे हैं, उसने चक्कर दिया, आरिफ सर ऊंचा करते चले जा रहे हैं, कन्ने से ना लांग जाए। चलिए फिर से लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, आरिफ सर बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। गोल्डी भाई बता रहे हैं हमारे, बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, हटा लाए, वो नीचे से आ गया। आइए फिलहाल पेज की तरफ फिर से समझते हैं, फिर से नीचे की तरफ से फेर रहे हैं हमारे आरिफ जी। आ गया ओपोनेंट, ये वो हटा क्यों रहे हैं, अच्छा वो कम कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं, नीचे आरिफ सर अपना चौथा पेच ले रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, बाहर निकाल रहे हैं आरिफ सर, ऊंचा करते चले जा रहे हैं, राइट साइड पतंग नीचे से है, ऊंचा करते चले जा रहे हैं, थोड़ा बाहर निकाला, राइट साइड वाली पतंग आरिफ सर की है, वो और अंदर लेके आया। चलिए डोर पे रख लिया है, वो गिरा। चार पेच लगातार पहली पतंग से, आइए दोस्तों अगला पेज यानी पांचवा हम पेज देख रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, देखिए कैसे फंसा के लड़ाना है, वैसे पेज सिखा रहा हूँ। जब ओपोनेंट आपके जस्ट पीछे खड़ा हो तो कैसे पेज लड़ाने हैं, अभी तो जस्ट पीछे ही खड़ा है, ऊंचा करते चले जा रहे हैं आरिफ सर। राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, ओपोनेंट जस्ट पीछे खड़ा है, ऐसे समझिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर जो है मात्र 2 या 4 मीटर का है और हमसे वो दूर खड़े हैं करीबन 20 से 25 मीटर पीछे खड़े हैं, तो ऐसे समझिए आप, कोई अगर आपके जस्ट पीछे खड़ा हो तो, और नीचे से आप ऊंचा किया उसने रखा, डबल पे खींच रहा है, अरे बहुत बढ़िया झटक लिया। अगर ये झटकते ना तो इनका झोल कट सकता था और ये 5 के निशाने, हाँ वो कम कट गए, हाँ अगर ये झोल पे रखते तो कट जाते आप, अच्छा कि आपने झटक लिया, बहुत बढ़िया शाबाशी। आई दोस्तों ये पेज देख लेते, 5 पेज काटने के बाद छठा पेज ओपोनेंट लेने आए हैं,
लेफ्ट साइड ऊपर ओपोनेंट, अंदर अंदर बढ़ते हुए आरिफ सर की पतंग देखिए राइट साइड। मैंने कहा कि जब भी कोई पीछे आपके खड़ा हो और आप आगे हो तो आप नीचे से कैसे पेच लड़ाएं वो सीख रहे हैं आप, ठीक है। हर तरह के पेच आपको सीखना है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, लगातार वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर से, लेफ्ट साइड ऊपर थोड़ा बाहर निकाला। आरिफ सर ने ऊंचा किया, ऊंचा किया, उसने हटाया पतंग को, थोड़ा बाहर निकालते हुए उसने रखा, ऊंचा किया, ये डोर छोड़ा, ओहो डबल पे झटके लग गए इस बार। इस बार पांच पेज काटने के बाद फिलहाल उसने डबल बढ़िया खींच लिया और ये दीवार पीछे आ गई थी आरिफ सर के। बढ़िया पेज काटे थे, पांच पेज डबल पे बहुत ही अच्छा पेज काटा ओपोनेंट ने। मन्नू भाई ने इससे पहले ऊपर से पेच काटा बढ़िया, ऊपर से भारी भारी लाद दिया था उनके हल्के पे, हल्के बलों पे। अब नीचे का पतंग लेके आए, थोड़ी पतंग बाहर की है इनकी, लेफ्ट साइड वाली पतंग अब ऊपर से है, लेफ्ट साइड वाली ऊपर से है और मन्नू भाई की पतंग नीचे नीचे। मैं दोनों खिलाड़ियों के लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ, बीच में नहीं खड़ा हूँ। मन्नू भाई देखिए यहाँ से पेच लड़ा रहे हैं, नीचे से बाहर निकाल रहे हैं, उसने गद्दा रखा, मन्नू भाई ने ऊंचा कर लिया है, डोरों पे रखा और ये कट है, बहुत बढ़िया उठते बालों पे, मतलब उठती थपकी मत लगा दी। आमिर की तो मांझा बहुत अच्छा। चलिए आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। और ये देखो सचिन की पतंग टूट गई, हालांकि पेज फेरा नहीं गया था अभी, तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता, नीचे वाले का तो पेच नीचे से था ही। आइए दोस्तों ये पेच लड़ा रहे हैं हमारे गोल्डी भाई, ऊपर से लड़ाएंगे गोल्डी। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से ऊपर गोल्डी, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे देखिए फेरते हुए गोल्डी। अभी पतंग ऊपर लिए हुए हैं काले बादलों में, गोल्डी भाई की पतंग नीचे आ रही है, अब वो पट कर रहा है, गोल्डी अंदर लेके जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज गोल्डी भाई बढ़िया बढ़िया पेस दिखाएं, हवा बहुत ही बेहतरीन चल रही है और सभी सब्सक्राइबर को सिखाएं कैसे कैसे लड़ाना है ऊपर से। अब थोड़ी हवा बिल्कुल ठीक है, कोनी है हल्की सी, तो काम चल जाएगा। वो धीरे धीरे ऊंचा कर रहा है गोल्डी भाई, उतार रहे हैं हल्के हल्के पतंग, देखते हैं पेस सी समझते हैं। थोड़ी देर में चुप रहता हूँ। लेफ्ट साइड ये पतंग किसकी है भैया? गालियों पे नजरअंदाज कर रहे हैं गालियों को। लेफ्ट साइड गाली ना दो भैया, रिकॉर्ड हो रहा है। लेफ्ट साइड नीचे वाली, ये रखा गोल्डी भाई ने, ये रखा गोल्डी भाई ने, वो अंदर खींच रहा है। हवा थपेड़े में अभी लग रही है, खराब झोल ढूंढ रहे हैं। उसने बाहर निकाला, बंदर लेके आई ये उतारने की कोशिश। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी टेंशन में है गोल्डी भाई। तेज तेज झटके लगा रहे हैं, वो पट पे झटक रहा है, वो कटा। देखिए झोल पे लटके हुए थे हमारे गोल्डी भाई, उस पर थपकने की उसने गलती कर ली और इन्होंने तेज तेज झटके लगाए, बढ़िया पेज काटा है गोल्डी ने। अगला पेज देखते हैं नीचे से गोल्डी भाई का। हमारे यहाँ ये है डोर निकालने के लिए बोल रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पास वाली पतंग मत देखिए। गोल्डी भाई ने पतंग को हटा लिया है, ओपोनेंट की पतंग यहाँ लगी है काले बादलों में, बिल्कुल पीछे खड़े हो गए। फिर से हवा बिल्कुल जो है तले ऊपर आ गई, तले ऊपर का मतलब हमारे जस्ट पीछे। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से नीचे गोल्डी अंदर फेर रहे हैं, गोल्डी की पतंग
राइट साइड सॉरी, नीचे से उसने रखा गद्दा, ये और अंदर लेके जा रहा है। पेज की रेंज 300 मीटर, बढ़िया पेज की रेंज, मतलब अधियों के मामले में ठीक है, विजिबल भी है, समझ में भी आ रही हैं पतंगे, बढ़िया खूबसूरत। वो उसने गद्दा रखा, इन्होंने खाली कराया, ऊँचा किया, वो डबल की तरह उठा रहा है, गोली भाई ने लंगाया पतंग, अब देखते हैं। वो गिराया उधर, क्या बढ़िया पतंग उछली उसकी। आए दोस्तों एक और पेज देखते हैं, तोखा पतंग लिया हमारे गोल्डी भाई से, पहले आरिफ सर ने बड़े अच्छे अच्छे पेज काट दिए। पेज तो लगभग वही होते हैं, चाहे आप मैदान से लड़ाएं चाहे आप छत से लड़ाएं, अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे तो, क्योंकि खिलाड़ी तो वही हैं, भयानक भयानक ग्रेट खिलाड़ी। लेफ्ट साइड ऊपर से, लेफ्ट साइड ऊपर ऊंची वाली पतंग देखिए स्क्रीन पे, ये ओपोनेंट ऊपर से गोल्डी की पतंग ऊंची, उसने गद्दा रखा, गोल्डी भाई ने थोड़ा खाली कराया, खाली कराने का मतलब उनका गद्दा थोड़ा गड़बड़ करा दिया नीचे करने से, ये रखा उसने, गोल्डी ने अंदर खींचाया रोके पतंग, उसने थपका, ओए होए थपकी लग गई ओपोनेंट की, और ये पेच गोल्डी भाई कट गया। ओपोनेंट ने बढ़िया डबल की तरह थपकी लगाते चला गया, ऊंचा उठा लिया और इनका झोल कट गया। आए दोस्तों अगला पेच लेके आए हमारे पिंटू भाई लेफ्ट साइड वाली पतंग ओपोनेंट की ऊपर से, नीचे हमारे पिंटू भाई फेरते हुए, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर है यहाँ पे, ये देखिए पिंटू भाई ने ऊंचा किया पतंग को, कहाँ गई है पतंग ही नहीं दिख रही, बहुत करीब पेज हो रहे 250 मीटर के करीब, चलिए ठीक है करीब कर रहे हैं दोनों। उसने रखा लेफ्ट साइड ऊपर से, पिंटू भाई ने थोड़ा नीचे किया, ऊंचा किया, उसने गद्दा रखा और ऊंचा किया, और ये देखिए टूटी हो या कुछ हो, सामने वाले ने गद्दा मारा है, हालांकि उससे पहले पतंग चली गई इनकी, ठीक है ओपोनेंट ने ये पेच काटा। अब्बास भाई की पतंग देखेंगे राइट साइड नीचे से अंदर बढ़ते हुए, थोड़ी बड़ है पतंग अब्बास भाई की, ये वाली है, उसने रखा जल्दी से, अब्बास भाई ने पतंग को चक्कर दिया, बहुत ज्यादा अंदर बढ़े हुए हैं, उसकी पतंग यहाँ है, अब्बास भाई की पतंग यहाँ है, वो लाता हुआ करीब अब्बास भाई ने, चलिए ऊंचा किया अब्बास भाई ने, चलाया पतंग, उसने गद्दा रखा, इन्होंने हल्का खाली कराया, बाहर निकाल रहे हैं, उसने गद्दा रखा फिर से, उसने क्या हुआ डोर फेंक रहा था, चलिए वो पतंग कट गया कुल मिला के। आए दोस्तों अब्बास भाई का अगला पेज देखते हैं, पिछला पेज वो ला रहा था, अब टूट गई कि कट गया देखते हैं। हाँ अब लेफ्ट साइड फिर से ऊपर से ओपोनेंट, राइट साइड वाली पतंग नीचे से अब्बास भाई ऊंचा करके बाहर निकाल रहे हैं, वो करीब किया ऊंचा किया अब्बास भाई ने, डोर छोड़ा रोकी, राइट साइड सीधे हाथ को पतंग देखिए अब्बास भाई की, नीचे से वो अंदर लाता हुआ देखिए उतारता चला जा रहा है, रोका, काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी है ओपोनेंट की पतंग, बिल्कुल तले ऊपर गेम लगभग, ये झोल लंगाया, वो डबल खींच रहा है, अब्बास भाई ने डोरों पे रखा, अब देखते हैं, ठीक है अब डोर पे डोर चल रही है। पेच नहीं था, पेच नहीं था, फिर से ऊंचा किया अब्बास भाई ने, ऊंचा करते हुए नीचे से उसने गद्दा रखा, हटाया, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए उल्टे हाथ की ऊपर से करीब कर रहे हैं अब्बास भाई, ये झोल खींचने की कोशिश, डोर लगी नहीं क्योंकि जस्ट हमारे पीछे खड़ा है, इसलिए फिर लाया अब्बास भाई ने करीब क्या है, बिल्कुल अगल बगल डोरें चल रही हैं समझ लीजिए, बस ठीक है अब हो गया जो काम होना है, अब डोर ही देना है बस। हवा इधर ही आती चली जा रही है लेफ्ट साइड, अब तोड़ देना है, और ये कटे अब्बास भाई इस बार, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे ऊपर से हमारे आरिफ सर, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे,
आरिफ सर ने रखा वो, अभी नहीं कटा वो अब कट गया, ऊंचा किया उसने और छू गया आरिफ सर के पतंग। क्या कह रहे थे ना, चेला है, चेले ही तो रहेगा। सही बात है। फिर से कोशिश करते हुए बढ़िया पेज से पहले काटा था, अपोनेंट लगातार डोर फेंक रहा था। चले लेफ्ट साइड ऊपर से आरिफ सर की पतंग राइट साइड, बाहर खींच रहे हैं। उसने गद्दा मारा, आरिफ सर झटके लगा रहे हैं, वो कटा उधर जाके, बहुत बढ़िया पेज काटा है, डोर फेंक दिया। गुरु बता रहे हैं गोल्डी भाई को। चलिए अगला पेज तुरंत अनकट वीडियो। लेफ्ट साइड वाली पतंग अभी नीचे से फेरेंगे आरिफ सर, बहुत बढ़िया पेज काटा था, डोर फेंक के आखिरी में झटके लगा दिए, वो गद्दा मार के कट गए, क्योंकि बिल्कुल हमारे पीछे खड़े हैं, गद्दा पड़ेगा है नहीं। चलिए फिर से कोशिश करते हुए चेहरे की तरफ भागता हुआ ओपोनेंट, इन्होंने पट करके हटा ली पतंग। ठीक है चलिए फिर से फेर रहे हैं लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से आरिफ सर की पतंग। अब ना करो यार, ये हटाया, पट किया फिर से आरिफ सर की पतंग राइट साइड नीचे जाते हुए। उसने गद्दा रखा, आरिफ सर बाहर निकाल रहे हैं, उसने और गद्दा ये डोर पे रख लिया है। अब एक ही पतंग दिखाता हूँ मैं, कट गया वो देखे जा रहे हैं। आरिफ सर ने पतंग को बस ऊंचा करके रोक लिया था, हल्के हल्के बल दे रहे थे, ये देखिए यहाँ पे वो कटा वहाँ पे जाके, ये देखिए लिपटा रहा है। चली गई नीचे। आए दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए एक बार फिर से, आरिफ सर नीचे से आज बढ़िया पेज लड़ा रहे हैं, वैसे तो पूरे हफ्ते बढ़िया पेज लड़ा है। उसने रखा गद्दा, इन्होंने डोर फेंकी है, हटाया। चलिए फिर से कोशिश लेफ्ट साइड ऊपर आरिफ सर की पतंग राइट साइड, ये झोल लगाया कि नहीं, अभी देखना पड़ेगा, नहीं आया है। फिर से अंदर की तरफ बढ़ते हुए आरिफ सर की पतंग देखिए राइट साइड नीचे ऊंचा करते चले जा रहे हैं, अंदर तिरछा कराए जा रहे हैं, ये देखिए कैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, खींच रहे हैं। ये आरिफ सर की पतंग है, उसने पतंग को ऊंचा करके रोक लिया है। वे ना करो यार, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से लंगा लिया। चलिए डोर पे रखना है, डोर पास करिए। अरे डोर पास करना है यार, डोर पास नहीं, और उसने बढ़िया पेज काट दिया ओपोनेंट ने। आइए मुन्नू द डॉन पेज लड़ाने आ रहे हैं हमारे मुन्नू भाई। करीब करा रहे हैं दोनों, लेफ्ट साइड वाली पतंग अभी मुन्नू सर की, अभी पेज फेरे नहीं गए हैं, यानी अपने अपने पाले में नहीं आए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जितने भी मेरे भाई हो, और शेयर किया करिए खूब सारा शेयर करेंगे तो सबको बढ़िया पेज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल है, सब मेहनत कर रहे हैं भैया, सबको देखो, जो पेज दिखाते हो, जो दुकान दिखाते हो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। चलिए उनका कोई काम है नहीं, दुकान दिखा के आपको बेवकूफ़ बना रहे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग अभी ऊपर, किस्मत देखो इसको कहते हैं झाटू यार। चलिए देखते हैं लेफ्ट साइड वाली पतंग, पेज की रेंज बहुत ही बढ़िया हो गई है, तकरीबन 350-400 meters। लेफ्ट साइड ऊपर से ओपोनेंट नीचे मुन्नू भाई की पतंग चक्कर खाती हुई, वो करीब कर रहा है, उसने रखा, मुन्नू भाई ने पतंग को लंगाया, अंदर के बल रखे हैं, उसने पतंग को बांधा, ऊंचा किया, बढ़िया। देखते हैं डोर छोड़नी है, वो गिराया, बढ़िया पेज मुन्नू भाई ने काटा है, ये अच्छा पतंग लगा के गिरा लिया था मुन्नू भाई का, शानदार।
अब्बास भाई की पतंग राइट साइड नीचे, और ये हो गया तबला। राइट साइड नीचे नहीं थे, दोनों पतंगे कट गई। चलिए पिंटू भाई की पतंग देखिए, यहाँ पे है बिल्कुल। तो उसकी कहाँ है, तो उसकी कहाँ पतंग है, वो आगे वाली उसकी है क्या? ओहो, कितनी डोर थी यार। ये पिंटू भाई ने फिलहाल ये पेज काट दिया। आए दोस्तों, पेज की रेंज मेरे पास से 450 मीटर है। पिंटू भाई पेज लड़ा रहे, लगातार 2-3 पतंग काट दिया है फसा फसा के ज़बरदस्त। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर, और पिंटू भाई पतंग अंदर अंदर बढ़ा रहे हैं राइट साइड। पेज की रेंज बहुत ही बढ़िया। ये पट्टेदार कहाँ से आ रहा बीच में? चलिए अंदर लाते हुए, पिंटू भाई ने हल्का पट किया, उसने रखा, थोड़ा अंदर लेके आ रहा, पिंटू भाई बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ से लड़ा रहे पिंटू भाई हमारे। चलिए रखता हुआ, पिंटू भाई ने पतंग को बहुत ज़्यादा ऊंचा करके रखा है, वो करीब करा रहा है। लगाया, पिंटू भाई ने ताकत से बाहर गिराया है, उसने अंदर के बल रखे हैं। ओए होए, बहुत ही बढ़िया पेच काटा है ओपोनेंट ने, वापसी खींच लाया और इनका झटका कटा। अगर ये टाइट करके झटक लेते तेज तो वो कट सकता था। इन्होंने लगा के डोरों पे रख लिया, लेकिन ओपोनेंट ने क्या पेच काटा है भाई, बहुत बढ़िया। तीनों भाई ने काटा है, चलो बहुत ही बेहतरीन पेच काटा, लवली। आइए दोस्तों, एक बार फिर से कोशिश हो रही है, काले बादलों में देखिए पेच हो रहे हैं ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से। नीचे मुन्नू भाई अंदर की तरफ जगह बनाते चले जा रहे हैं, उसने बाहर की तरफ खींचा है, मुन्नू भाई बाहर लेके आ रहे, दोनों पतंगें लंग गई। ये पत्ता खींच रहे मुन्नू भाई, झटके लगा रहे हैं, वो खींचता चला जा रहा है झटके, और मुन्नू भाई कट गए। बहुत ज़्यादा जो है जगह की वजह से कट रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया पेच काटा। वो देखिए ओपोनेंट भी नहीं कटा, लेकिन उसकी डोर पड़ी हुई है। ये जो पतंग जा रही है, बच गया ओपोनेंट, बच गया। आए दोस्तों, चांद भाई का हमारे पेज देख रहे हैं, चप इनकी काली और सफेद है। आप राइट साइड पतंग देखिए, जो चक्कर नीचे खा रही ये वाली, और ओपोनेंट की पतंग कैसी है, क्राउंजल टाइप की दिख रही है। लेफ्ट साइड रखता हुआ चांद भाई पतंग को चक्कर दे रहे हैं, वो करीब कर रहा है। चांद भाई ने पट कर लिया हमारे, लेफ्ट साइड ऊपर से रखता हुआ चांद भाई ने पतंग को चक्कर दिया और पट किया। ऊंचा करते हुए चांद भाई, पेज की रेंज 450 मीटर। राजी लेफ्ट साइड करीब कर रहे हैं। चांद भाई ने पतंग को ऊंचा किया, थोड़ा सा पट किया, अंदर कोनी करा रहे हैं, जगह बना रहे हैं, ठीक है। वो अंदर की तरफ उतरना शुरू कर रहा है, पट कर रहे हैं। ये लांगी पतंग, उसने डबल पे ऊंचा उठाया, वो काटा, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया ओपोनेंट ने, बिल्कुल मौका ही नहीं दिया लंगा के रखने का। जैसे ही लांगी उसने डबल पे ऊंचा खींच लिया, चांद भाई कटे, कोई बात नहीं, इनका दूसरा पेज देखेंगे। लेफ्ट साइड ऊपर से ओपोनेंट अब्बास भाई ने ऊंचा ऊंचा किया, नीचे से अब्बास भाई,
ये गिरा के रख रहे हैं, उसने पता को चलाया डबल पे ऊंचा किया बस भाई। अब देखते हैं, अब देखते हैं बस भाई की पतंग नीचे है वो कटे। आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं, अपोनेंट की पतंग ऊपर लगी हुई है, नीचे आरिफ जी हैं, ये वाली पतंग यहाँ देखिए वो ला के रख रहा है, देखिए अंदर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर से। चलिए आरिफ सर ने पतंग को चेक कर दिया, पट किया वो अंदर की तरफ लेके आ रहा है, आरिफ सर ने ऊंचा किया राइट साइड नीचे से, आरिफ सर ये लगाने की कोशिश, वो वापस ले आया। अरे यार ठीक है बढ़िया, अंदर की तरफ आया ओपोनेंट, आरिफ सर ने पतंग को ऊंचा किया, करीब करा रहे, करीब करा रहे, लांग गई पतंग, लांग गई पतंग, लांग गई, डोर को दिया उसने ऊंचा कर लिया है बढ़िया, वो कटे, झोल टंग गया था एक तरह से और वही कट गए, उनकी डोर बिल्कुल सीधी, ये कोनी पड़े हुए थे। आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं, मन्नू भाई अब आए हैं नीचे से, ओपोनेंट ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर से, मन्नू भाई नीचे राइट साइड करीब कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं पतंग को चला चला के, उसने गद्दा रखा रखा, मन्नू भाई पतंग को चला रहे हैं, बाहर गिराया उसने फिर डबल पे उठाने की कोशिश, मन्नू भाई ने संगत में खींचा है ताकत से, डोर लगेगी नहीं, फिर से वो लगाया, अब मन्नू भाई ने लगा लिया है, उसने भी लगाया, चलिए अब डोर देना है, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ डोर देना है, देखना है, ऊंचा करते चले जा रहे हैं। मन्नू भाई की पतंग राइट साइड वाली है और बढ़िया मन्नू भाई ने काटा है हमारे, ये पेच काट दिया, आए दोस्तों ये पेच देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से नीचे, एक बार फिर से मन्नू भाई राइट साइड वाली बाहर निकाल रहे, मन्नू वो अंदर लेते आ रहा है, उसने ऊंचा कर लिया, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए बिल्कुल ही पीछे खड़े हैं खिलाड़ी, एकदम सर के पीछे ऊंचा किया मन्नू भाई ने, इसलिए हर पेच फंस के ही हो रहा है, वो अंदर की तरफ बढ़ के आ रहा है, गद्दा रखा अपोनेंट ने, इन्होंने पट किया थोड़ा, ठीक है वो अंदर लेके आ रहा है, मन्नू भाई पतंग को चला रहा है, बिल्कुल करीब कर लिया है, फिर लेके आया अंदर, लेफ्ट साइड ऊपर, अंदर आते हुए मन्नू भाई बाहर निकाल रहे, बाहर निकाल रहे, बाहर निकाल रहे, लेफ्ट साइड ऊपर से, उसने गद्दा रखा, मन्नू भाई ने पट किया, अब डोर आ जाएगी, ये चलिए डोर है कहीं ना कहीं, अब पता नहीं क्या है, डोर दोनों दे रहे हैं लेकिन अभी पता नहीं है डोर आई है कि नहीं, पेच है, अब बिल्कुल ही पेच जो है हाथ पे आ जाएंगे क्योंकि पेच फंस गए हैं, मन्नू भाई की डोर पतंग बहुत दूर हो गई है, अभी अब इससे ये डर है कि इनकी सद्दी ना कट जाए, अब दोनों ने खींचना स्टार्ट कर दिया, हाँ कटेंगे
दूर वाली मन्नू भाई की है। ये कटा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ हो गई थी मन्नू भाई की पतंग, उससे कम से कम 250-300 मीटर बढ़ थी। और फाइनली हमारे मन्नू भाई ने काटा है पेच, गोल्डी पेच लेने आए हैं लेफ्ट साइड ओपोनेंट की, गोल्डी की पतंग राइट साइड नीचे ऊंचा किया उसने, रखा गद्दा। अरे चुप हो जाओ भैया, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर ओपोनेंट की, बहुत ही भयानक पतंग लेफ्ट साइड ओपोनेंट की, नीचे गोल्डी चक्कर देके बहुत भारी भरकम अद्दी है, नीचे रख के तो पेच हो वो। ठीक है और ऊंचा किया गोल्डी भाई ने, ऊंचा किया वो लेके आया। ठीक है बस अब बलों पे रख लिया है, वो काटा उधर गिरा नीचे, वो देखिए यहाँ पे ऊंचा करके बस बलों पे रख लिया। गोल्डी भाई का एक और पेस देखेंगे, राइट साइड वाली पतंग देखिए, सीधे हाथ को नीचे से गोल्डी बाहर के चक्कर ले रहे हैं, बाहर के चक्कर क्यों, क्योंकि हमारी तरफ के चक्कर हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से ये गोल्डी भाई ने लगाया, ये चक्कर दिए तेज हाथों से, डोर पास हो रही है उसकी भी पतंग ऊंची, उसके अच्छे बल जैसे ही अंदर के बल आए वैसे ही हमारी पतंग कटी, मकड़े ही पतंग।